लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आयरन मास्टर ने स्ट्रेंजर को बहुत कहा था अपने साथ घर चलने के लिए, लेकिन स्ट्रेंजर ने रैट्रैप सेलर ने मना कर दिया, तो आयरन मास्टर वहां से चले गए। लेकिन कुछ टाइम बाद फॉर्ज में एक हॉर्स कार्ट के थ्रू आयरन मास्टर की डॉटर की एंट्री होती है। आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि उनकी डॉटर में ज़्यादा कन्विंसिंग पावर है किसी को समझने की या किसी को समझाने की। तो उनकी डॉटर के साथ उनका एक सर्वेंट भी होता है जिसके हाथ में एक फर कोट होता है। जब उनकी डॉटर फोर्स में एंट्री लेती तो सब कुछ वैसा ही था जैसे कि इवनिंग में था जब आयरन मास्टर आए थे। डॉटर जब उनकी फोर्स में एंट्री लेती है तो जो स्ट्रेंजर होता है वो फ्लोर पे लेटा हुआ होता है, उसके सर के नीचे एक पिग आयरन होता है और उसकी जो कैप होती है वो अपने सर पे अपने फेस पे ढक के सोता है और अपनी एक आंख खोल के सोता है। वो अपने एक आंख खोल के इसलिए सोता है क्योंकि वो छोटी मोटी चोरियां करता था, तो उसे चौकन्ना रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे ही उनकी डॉटर आती है तो उसके फेस से हैट को हटाती है तो एकदम उठ जाता है और डर जाता है। तभी वो कहती है कि मेरा नाम एडला विलियमसन है, मेरे जो फादर हैं वो जब घर पे आए तो उन्होंने बताया कि आप हमारे साथ हमारे घर नहीं आना चाहते और पूरी नाइट फोर्स में रहना चाहते, तो मैंने सोचा मैं आके आपको अपने साथ घर लेके चलूं। यहाँ जो एडला होती है वो दिखने में तो ब्यूटीफुल नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हम्बल और बहुत ज़्यादा काइंड होती है। फिर वो नोटिस करती है उस स्ट्रेंजर को, तो उसको लगता है कि इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा बुरी है और उसे बहुत गंदा फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि उसे इस कंडीशन से कैसे बाहर निकाला जाए। फिर वो ये भी नोटिस करती है कि ये कोई छोटी मोटी चोरी करने वाला इंसान या कोई जेल से भागा हुआ इंसान लग रहा है, इसलिए वो स्ट्रेंजर को कहती है तुम्हारे पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तुम फ्रीली आ सकते हो हमारे घर पे, बस हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ एक तुम एक क्रिसमस ईव स्पेंड करो, उसके बाद तुम फ्रीली कभी भी जा सकते हो। तभी स्ट्रेंजर कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपने इतनी तकलीफ उठा के आप यहाँ पर आए मुझे लेने के लिए, और वो फिर हाँ कर देता है उनके साथ जाने के लिए। जब वो जाते हैं तो वो जैसे ही हॉर्स कार्ट में बैठते हैं तो जो उनका सर्वेंट होता है जिसके हाथ में एक फर कोट होता है वो स्ट्रेंजर को पहनाता है फर कोट और वो हॉर्स कार्ट में निकल पड़ते हैं। वो एक बार भी ब्लैक स्मिथ को पीछे मुड़कर नहीं देखता है स्ट्रेंजर, और जो ब्लैक स्मिथ होता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो भी ऐसा सोच रहा होता है कि एक नाइट पहले तो ये पेडलर आया था सोने के लिए, हमसे हेल्प मांग रहा था जो इसको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था, और आज उसको इतने रेस्पेक्टफुली आयरन मास्टर के घर ले जाया जा रहा है। और उसी हॉर्स कार्ट में बैठते बैठते वो स्ट्रेंजर सोचता है कि अब वो एक ट्रैप में फंस चुका है। उसको ऐसे इंट्यूशन आते हैं कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, और वो ये सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर किस कारण उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर्स चुराया, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी ट्रैप में फंस चुका है जिस ट्रैप से वो वापस बाहर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिसमस ईव की होती है और वो आयरन मास्टर के हाउस में पहुंच जाते हैं, मैनर हाउस जो बड़ा सा हाउस होता है वो उधर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो ये सोचते हैं कि कितना अनएक्सपेक्टेडली वो अपने पुराने साथी यानी पुराने रेजिमेंटल से मिले और उसकी कंडीशन कितनी बुरी है। तो वो अपनी डॉटर को बुला के बोलते हैं कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा होता है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला दिख रहा होता है, तो वो अपनी डॉटर को बोलते हैं कि हमें ये श्योर होना चाहिए कि हम उसको अच्छा खाना प्रोवाइड करें, हम अच्छा खाना उसको खिलाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसके कपड़े भी कुछ अच्छे नहीं है, पुराने फटे पुराने, और उसका फेस भी उसके जो चिक्स है वो भी बहुत अंदर डले हुए हैं। तो वो चाहते थे कि उसको उन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकें। और फिर वो अपनी डॉटर को ये भी कहते हैं कि हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो काम है रैट्रैप सेल करने का, वो उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम में लग सके। और जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है एडला, वो अपने फादर को कहती है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, और एक नाइट पहले जब वो उसको देखती है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई एजुकेटेड मैन है। तभी आयरन मास्टर कहते हैं कि जब वो अपने आप को पूरा क्लीनअप करके आएगा, अच्छे से ड्रेसेस में अच्छे से बाथअप करके आएगा, तब तुम उसको देख के पहचान जाओगे कि हाँ ये एक एजुकेटेड मैन है। वो अभी अपनी उस होमलेस कंडीशन से बाहर आ जाए, मतलब वो जैसे पहले था फटे पुराने कपड़े पहन के, अब अगर वो अच्छे कपड़ों में आएगा तो तुम उसको पहचान जाओगी। तब फिर जब वो स्ट्रेंजर होता है वो अपने आप को क्लीन अप कर देता है, उसका सर्वेंट उसको नहला देता है और उसके हेयर भी कट करवा देते हैं, बियर्ड भी शेव हो जाते हैं, और उसको एक अच्छा सा सूट भी देता है जो सूट एक आयरन मास्टर का होता है। फिर वो स्ट्रेंजर अपने आप को बहुत ही अच्छा वेल ड्रेस्ड करके अच्छे से शूज़ पहन के आता है। आयरन मास्टर उसको देख कर बिल्कुल भी प्लीज नहीं होते और ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, बिकॉज वो जान चुके होते हैं कि कल लाइट फर्नेस की डिम लाइट के कारण वो उन्होंने उसको गलत समझ लिया था, लेकिन वो उनका पुराना साथी नहीं है। और ये सब स्ट्रेंजर को देख के लगता है कि अब वो जो उसको अच्छी सी ग्रीटिंग या अच्छा सा वेलकम मिल रहा था वो सब भी अब कुछ खत्म होने वाला है। तभी आयरन मास्टर बोलते हैं कि ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है।
फिर उसी बात पे स्ट्रेंजर बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ, मैंने कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की, मैंने तो कहा था कि मैं फोर्स में रहूँ, लेकिन आप ही अपने साथ मुझे घर ले जाना चाहते थे और अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं अभी भी अपने फटे पुराने कपड़े पहन के वापस यहाँ से चला जाऊँगा। तभी आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम ऑनेस्ट भी नहीं हो, तुमने मुझे नहीं बताया और तुमने बोला भी नहीं कि तुम मेरे पुराने साथी नहीं हो, अब तो शेरिफ ही तुमसे बात करेंगे, यानी पुलिस ही तुमसे बात करेगी। तभी स्ट्रेंजर जो होता है वो अपना हाथ बहुत ही ज़ोर से उस टेबल पे मारता है और उसको बोलता है कि सी आयरन मास्टर, अब मैं बताता हूँ कि चीज़ें कैसी है, ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ रेड ट्रैप है, जैसे रेड को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ एंड पॉक ऑफर किया जाता है, उसी तरीके से हम इंसानों को अट्रैक्ट करने के लिए फूड, जॉय, शेल्टर ये सब दिया जाता है, और एक दिन जब हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम वापस नहीं निकाल पाते। आज अगर मैं जेल में चला भी गया तो याद रखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम भी किसी ऐसी चीज़ में फंस जाओगे और वापस नहीं निकल पाओगे। ये बातें सुन के आयरन मास्टर हंसने लग जाता है उसकी ऐसी मिक्सडअप बातें सुन के और कहता है कि तुम कुछ गलत भी नहीं कह रहे, ठीक है इस बार शेरिफ को अलोन ही क्रिसमस ईव स्पेंड करने दो। और फिर आयरन मास्टर जो होता है वापस जाने लगता है, तभी एडला आ जाती है और डोर को बंद कर देती है और वो नहीं चाहती थी कि स्ट्रेंजर जो होता है वो वहाँ से चला जाए, तो एडला कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाए और ये आज हमारे साथ क्रिसमस ईव ही स्पेंड करे। वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि इसकी इतनी पुअर कंडीशन है, वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा खुश होती है, एडला जो होती है वो ऐसा इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने किसी पुअर ट्रेडर के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए इतना कुछ बनाया, इतना ज़्यादा उसको खुशी मिली और वो इतने अच्छे नए कपड़ों में आया। फिर वो अपने फादर को ये भी कहती है कि पूरे साल ये लोग ऐसे ही पैदल घूमते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, इनका कोई भी अच्छे से वेलकम नहीं करता, कभी भी वो एक अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, तो वो ये चाहती थी कि सिर्फ साल का एक दिन, मतलब सिर्फ आज के दिन वो यहाँ रहे, क्रिसमस ईव स्पेंड करे, उसके बाद वो वहाँ से चला जाए। एडला के जो फादर होते हैं वो भी उससे उसके अगेंस्ट नहीं जा पाते, वो सिर्फ उससे इतना कहते हैं कि ठीक है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे डिसीजन पे रिग्रेट हो। तो आयरन मास्टर फाइनली हाँ कर देते उस पेडलर को यहाँ रुकने के लिए। फिर एडला उसे ब्रेकफास्ट टेबल पे ले जाती ताकि वो ब्रेकफास्ट कर सके, पर स्ट्रेंजर जो होता है थोड़ी थोड़ी देर में एडला को देखकर ही सोचता है कि वो आखिर उसके साथ इतनी हम्बल क्यों है, उसकी साइड इतनी क्यों ले रही है। उसके बाद वो जाके वहाँ पे सो जाता है और वो वहाँ पर सिर्फ सोने के लिए आया होता है, फिर उसे उठाया जाता है 2 घंटे बाद ताकि वो क्रिसमस फेयर का पार्ट बन सके, लेकिन वो फिर से वहाँ से आने के बाद सो जाता है। फिर इवनिंग में क्रिसमस ट्री के लिए देखने के लिए उसे उठाया जाता है, पर उसको वहाँ की जो लाइटिंग होती है वो पसंद नहीं आ रही होती, उसकी आँखें बार बार ब्लिंक कर रही होती है क्योंकि वो अभी अभी सोकर उठा था, लेकिन वो फिर चला जाता है सोने। ऐसा लगता है कि वो पूरे साल भर नहीं सोया हो और उसे कभी भी इतनी शांति से नींद नहीं मिली हो। फिर उसे अगेन उठाया जाता है ताकि वो डिनर कर सके, जो क्रिसमस पोर्च है, जो क्रिसमस फिश है उसे वो ले सके। जब स्ट्रेंजर ये सब लेने के बाद सबको गुड नाइट करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो एडला और उसके आयरन मास्टर होते हैं वो क्रिसमस सर्विस के लिए चले जाते हैं, और जब वो उस सर्विस से वापस आ रहे होते हैं अपनी हॉर्स कार्ट में तो एडला बहुत ही उदास होती है क्योंकि उसको वहाँ पे पता चल जाता है कि रामस जो आयरन वर्क में, जो उनका ओल्ड क्राफ्टर वर्क करता था, उनके यहाँ से 30 क्रॉनर्स की चोरी हो गई और वो चोरी करने वाला कोई रेड ट्रैप सेलर है। तब एडला बहुत ज़्यादा दुखी होती है, तभी आयरन मास्टर उसे टोंट पास करके कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर वो उसी हॉर्स कार्ट में कहते हैं कि मे बी अब तो वो ये सोच रहे हैं कि उनके घर पे कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे। जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ के अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि वो जो स्ट्रेंजर था वो अभी तक यही है, वो चला गया है, हमने सुना था कि उसने एक जगह चोरी करी थी 30 क्रॉनर्स की, तो यहाँ से कुछ ले गया है क्या। तभी वो सर्वेंट कहते हैं कि वो वहाँ से कुछ भी नहीं ले गया, वो तो बहुत ही अच्छे से यहाँ चला गया, इवन एक स्मॉल गिफ्ट छोड़ के गया है मिस एडला विलियमसन के लिए। जब एडला उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर कुछ 30 क्रोनोर्स के कुछ नोट्स होते हैं पुराने से और एक लेटर होता है। लेटर में स्ट्रेंजर ने एडला के लिए लिखा होता है कि मुझे नहीं पता था, मैं ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा शौक था कि आप मेरे से इतना हम्बल, काइंड और जनरस थे, मुझे सच में एक एज ए कैप्टन ही ट्रीट कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि आपकी इस अच्छाई का मैं फ़ायदा उठाऊं और मैं नहीं चाहता था कि आप बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करें कि आपने किसी थीव का सपोर्ट किया, इसलिए मैं ये एक क्रिसमस प्रेजेंट, एक रेड ट्रैप देके जा रहा हूं। और वो अपने आप को एक रेड प्रिटेंड करता है कि मैं एक रेड ट्रैप सेलर देके जा रहा हूं एक रेड के थ्रू, और वो उसे ये कहता है कि ये आपके लिए एक स्मॉल सा प्रेजेंट है,
मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी अजीब सा फील हो या कुछ भी गलत फील हो, और आपकी इस अच्छाई ने मुझे भी अच्छा बना दिया। आपका इतना प्यार, इतना काइंड और इतना जनरस देखने के बाद मैंने भी ये सब चीज़ें छोड़ दी, और अभी मैं भी एक बहुत बुरे ट्रैप में फंस जाता, लेकिन आपने मुझे इस ट्रैप से निकाल दिया। और वो अपने आप को उधर कैप्टन ही मानता है, क्योंकि एडला उसे एज ए कैप्टन ही ट्रीट करती थी। तो अब बात करते हैं हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम कीवर्ड की, तो सबसे फर्स्ट है हमारा हंगर ग्लीम, यानी भूख दिखना। सेकंड है मोनोटोनियस, यानी कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होना लाइफ में, बहुत सैड सी लाइफ होना। थर्ड वन इज वैगाबॉन्ड, यानी कोई आवारा पर्सन। नेक्स्ट इज सेट बेट्स, यानी लोगों को टेम्पटेशन ऑफर करना, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर्ड करना। नेक्स्ट वन इज ट्रजिंग, यानी पैदल चलना, मतलब स्लोली स्लोली चलना लेकिन अपना एक हैवी स्टेप लेके चलना। नेक्स्ट है क्रीमरी, एक ऐसी फैक्ट्री जो कोई चीज़ या बटर प्रोड्यूस करती हो। नेक्स्ट है इनक्रेडुलस, मतलब किसी चीज़ पे बिलीव ना होना। नेक्स्ट थ्रस्ट, यानी जोर लगाना। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, यानी अनब्रेकेबल प्रिजन, जिस प्रिजन से हम, जिस जेल से हम कभी वापस आ ही ना सके, जो जेल कभी टूट ही नहीं सकती। स्काउज, मतलब एक ऐसी बोट जो कि कार्गो ट्रांसपोर्ट करती हो। नेक्स्ट इज मॉ, यानी माउथ। देन नोडेड, एरोगेंटली एग्रीड, यानी हाँ तो करना लेकिन बहुत ही एरोगेंट बिहेव में। नेक्स्ट इज रेगा मफिन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी क्लोथ बहुत ज़्यादा डर्टी हो। नेक्स्ट वन इज अनडिसीव, यानी अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करना, किसी का भ्रम दूर करना। पार्सन, मतलब प्रीस्ट। इंटरसीडेड, मतलब किसी के बिहाफ पे बोलना, किसी के बिहाफ पे आर्ग्यूमेंट करना। फेयर, मतलब फूड। और लास्ट वन है हमारा डिसिमुलेट, यानी छल कपट करना। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट इज व्हाट मेडिएशंस ऑफ द पैडलर गेव हिम अनवांटेड जॉय, यानी पैडलर को क्या चीज़ें सोचने से बहुत अच्छा लगता था। जैसा कि हम सब जानते थे कि पैडलर की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं था। उसके क्लोज भी बहुत फटे पुराने थे, उसके चिक्स भी बहुत ज़्यादा अंदर डले हुए थे, और वो बहुत ज़्यादा वीक भी था। तो उसका फेवरेट टाइम पास था लोगों को देखना और सोचना कि वर्ल्ड भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप है। ये भी लोगों को बेट्स ऑफर करता है, जैसे कि एक रैट ट्रैप रैट के लिए चीज़ एंड पोक ऑफर करता है। तो उसी तरीके से ये भी हमें सिर्फ सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए होती है। उसका ये फेवरेट टाइम पास था, उसको बहुत अच्छा लगता था लोगों को देखना, उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने कभी भी उसका साथ नहीं दिया, जो कभी भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक लोनली मैन था, एक ओल्ड मैन था, और उसे बहुत अच्छा लगता था अपनी लोनलीनेस शेयर करना। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, उसको बहुत अच्छा लगता था अपनी सारी चीज़ें सामने वाले से शेयर करना। एंड वो एक ट्रस्टिंग पर्सन भी था, वो इजीली दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर लेता था और अपनी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से उन सब लोगों के साथ शेयर करता था। जैसा कि हमने इस चैप्टर में भी देखा कि जो क्रॉफ्टर था वो उस पैडलर को सपर भी ऑफर करता है, इवन उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है, और उसको एक ही दिन के अंदर अपनी सारी चीज़ें शेयर भी करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द ब्लैक स्मिथ रिएक्शन टू द पैडलर्स एंट्री इन टू द फॉर्स। जैसे कि फॉर्स में बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा चारकोल की आवाज़, कोल की, इतने सारे साउंड के बाद जैसे ही ब्लैक स्मिथ को कुछ भी नॉलेज नहीं होता कि कोई उसके फोर्स के अंदर आ गया है। वो पैडलर जब उस फोर्स के अंदर जाता है तो किसी को कोई भी नोटिस नहीं होता जब तक वो पैडलर उसके ब्लैक स्मिथ के सामने जाके पास में खड़ा ना हो जाए। लेकिन ब्लैक स्मिथ कोई रिएक्ट नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि ये भी वैसे ही वैगाबॉन्ड है, जैसे ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो एक नाइट स्टे करने के लिए आ जाते हैं, ये भी उनमें से एक है। और वो बहुत ही एरोगेंटली उसको हाँ कर देता है वहाँ सोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर पैडलर नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी टू द आयरन मास्टर। हमने देखा कि आयरन मास्टर ने उसको अपना कोई पुराना एक्विटेंस, कोई पुराना साथी नील्स ऑलोफ समझा था। वो नहीं पहचान पाए थे उस डिम लाइट के कारण कि ये कौन है। लेकिन पैडलर ने भी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी, जस्ट बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि मे भी ये यहाँ का ओनर है, तो ये अगर मुझे कोई दूसरा साथी मान रहा है तो ये मुझे क्रोनोर्स भी देगा अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा अपनी रियल आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द आयरन मास्टर ट्राई टू कन्विंस द पैडलर टू गो होम विथ हिम।
आयरन मास्टर को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे हैं पैडलर, क्योंकि अपने क्लोज के कारण, इसलिए वो उनको बोलते हैं कि मेरा घर को इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा घर है, मेरी वाइफ जो है उसकी डेथ हो चुकी है और जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड में काम करते हैं, पढ़ाई करने के लिए गए, मेरे साथ सिर्फ मेरी एक बेटी रहती है और हम इस क्रिसमस पे बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और इस क्रिसमस के दिन को स्पेंड करो हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है, व्हाई डस एडलर से टू द पैडलर यू मे बी द श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू टेक एज जस्ट ए फ्रीली एज यू केम। मतलब एडला ऐसा उनको क्यों कहती है? एडला बहुत ही काइंड एंड जेनरस फीमेल थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, वो लोगों को देखकर उनकी कंडीशन को समझने की कोशिश करती थी और जैसे उसने पैडलर को देखा था तो उसे लगा कि वो चाहती थी कि वो इन सब चीज़ों में कैसे फंस गया और हम इसको इस सब चीज़ों से कैसे बाहर निकाल सके। देन वो देखती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई छोटी मोटी चोरी करने वाला इंसान है या फिर किसी जेल से भागा हुआ है, इसलिए वो उसको ऐसा फील नहीं कराना चाहती थी, उसकी कंडीशंस को समझना चाहती थी, उसकी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो उसको बोलती है कि तुम जब भी आओ तुम फ्रीली यहाँ से आ सकते हो, जा सकते हो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ क्रिसमस की ईव स्पेंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाई इज द डॉटर्स डिसीजन टू लेट द पैडलर स्टे अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। मतलब जो आयरन मास्टर की डॉटर थी उसका ऐसा कौन सा डिसीजन था जो स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था? हमने सबने देखा था कि आयरन मास्टर ने तो उस पैडलर को मना कर दिया था, जब उसे उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई थी तो उसने मना कर दिया था यहाँ रहने के लिए, लेकिन उनकी डॉटर नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सुबह तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने किसी पुअर मैन की हेल्प करी, उसको इतने अच्छे कपड़े दिए, उतने अच्छे ड्रेसअप किया, वो सुबह तो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करके खुश मिल रही थी और उसको लग रहा था कि वो हमारे साथ ही क्रिसमस ईव स्पेंड करेंगे। वो नहीं चाहती थी कि किसी को प्रॉमिस करके हम यहाँ से भगा दें और उनको यहाँ से वापस क्रिसमस ईव स्पेंड ना करने दें। वो ये चाहती थी कि वो उनके साथ रहे और लोग पूरे साल उनके पीछे पड़ रहते हैं, ये पूरे साल इधर से उधर पैदल घूमते रहते हैं, तो वो चाहती थी कि एक दिन, सिर्फ एक दिन क्रिसमस का दिन ऐसा हो कि वो यहाँ पर बहुत ही पीसफुली स्लिप करे, बहुत ही पीसफुली सोए, उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो। उसके इस बिहेवियर के कारण, उसकी इस अच्छाई के कारण जो पैडलर था वो समझ नहीं पा रहा था पहले कि वो उसके साथ इतनी हम्बल क्यों है, वो उसका इतना फेवर क्यों लेती। लेकिन बाद में जब आयरन मास्टर और उसकी डॉटर बाहर गए थे क्रिसमस सर्विस के लिए, तो वहाँ से उनको पता चला कि जो ये पैडलर है ये एक चोर है और इसने किसी क्रॉफ्टर के यहाँ पर 30 क्रोनर्स चोरी किए हैं और क्रॉफ्टर एक ओल्ड मैन था जो उन्हीं की आयरन मिल में काम करता था। तो डॉटर को बहुत ही अजीब लग रहा था, मतलब उसकी जो डॉटर थी आयरन मास्टर की डॉटर, उसको बहुत ही शेम फील हो रहा था। लेकिन जब वो घर पहुंची थी तो जो पैडलर था उसने उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट रख रखा था और उस प्रेजेंट में उसके 30 क्रोनर्स थे और एक लेटर था और वो ये बोलते हैं कि ये एक रैट्रैप है, एक स्मॉल प्रेजेंट एक रैट के थ्रू, मतलब वो खुद को रैट बताता है और वो बोलता है कि मैं आज तक अभी इन सब चीज़ों में फंस चुका होता लेकिन आपने मुझे इन सब चीज़ों से निकाल दिया, आपकी अच्छाई ने मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दिया, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंट है और मैं चाहता हूँ कि जो 30 क्रोनर्स मैंने उस क्रॉफ्टर के लिए थे जो कि एक लेदर पाउच में विंडो के यहाँ लगे हुए थे, तो आप वापस जाके उनको लौटा दें। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको हमारे PDF में मिलेंगे विथ ऑप्टिमम लैंग्वेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चैप्टर के, इस चैनल के बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस हैं लाइक बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के, फिजिकल एजुकेशन के, अगर आप जाएं चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और इस पे देखिए, इस चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स की वीडियोज़